जो एक मजदूर हैं जो साफ सफाई करते हैं वो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? सदानंद मंडल। आज गाड़ी जो आए थे, क्या आप लोगों को संदेश दिया, क्या बताया? ये बात भुला जैसी सर अब। अच्छा, कुछ तो बताया होगा। आपको पेमेंट मिलता है सही टाइम? हाँ, 1500 मिलता है। 1500 मिलता है तो और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? सोनू कुमार। अच्छा, यहाँ जो आज कार्यक्रम हुआ था उसमें क्या सब हुआ ये बताइए सर। उसमें क्या सब हुआ, सभी योजनाओं के बारे में बताया। और सर, हम स्वच्छता ग्राही से हैं तो इसके बारे में हमको ज़्यादा। अच्छा, आपको सही टाइम पे पेमेंट मिलता है पैसा? टाइम तो सही टाइम पे तो नहीं मिलता है, 2-3 महीनों पैसे मिलता है और बहुत कम पैसे मिलते हैं। कितना पैसा मिलता है? 1500 रुपये। मिलना कितना चाहिए आप लोगों को? कम से कम 7-8 हज़ार तो होना चाहिए। ये हम लोग 1500 में काम कर रहे हैं। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं आप लोग? 2-3 घंटे। अच्छा, आज जो यहाँ DM साहब आए थे उसको आप आवेदन दिए कि हमको 1500 रुपया में नहीं पुरता है, कुछ और देना चाहिए? पर्सनली हम लोग तो नहीं दिए, अगर कोई हमारे से बराबर सीनियर सर दिए होंगे तो वही दिए होंगे। और भैया सब है, क्या नाम है भैया आपका? ये नहीं बताएंगे, और लोगों से हम बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मदन कुमार हुआ। अच्छा, यहाँ जो आज कार्यक्रम हुआ तो क्या सब हुआ? कार्यक्रम में सर सारे आवेदन जो इस प्रकार के हमारी समस्याएं हैं और सरकार की जो नई नई व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था पर उन्होंने जागरूक किया और जानकारी किया। जानकारी के अभाव में जो कि लोग नहीं जान पाते थे, उन्होंने खुद आकर इस स्थल पर लोगों को जानकारी दी। इस तरह की यह योजना है, यहाँ संभव है, यहाँ नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास आइए और हम उसे अथी कर पाएंगे। DM साहब का आदेश था कि अगर यहाँ आपका कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, छोटे अधिकारी, तो आप हमसे डायरेक्ट मिलिए और मैं उसका काम करूँगा। जी सर। तो यहाँ कुछ नगर निगम जो है कर्मी है, उन लोगों से हम बात करें। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू कुमार। कहाँ खा रहे हैं? मधु खा रहे हैं। मधु कहाँ खा रहे हैं? मन हो गया खाने। देखिए, आप नगर निगम का आदमी है, सफाई करने वाले, आप गुटखा खाएंगे तो कहाँ थूकिएगा? कहाँ थूकेंगे, कचरा में थूकेंगे और कहूँ हमको उठाना पड़ता है। मतलब आप गंदा कीजिएगा और आप ही उसको साफ करते हैं तो गलती महसूस हो गई है। हम नहीं खाते हैं, हम काहे पर बात करेंगे। चलिए, और लोगों, क्या नाम है भैया आपका? दिनेश दास। अच्छा, आज जो कार्यक्रम जो हुआ, DM साहब ने क्या निर्देश दिया आप लोगों को? साफ सफाई का निर्देश दिया। की करते हैं फिर भी इनको टाइम पर पैसा नहीं दिया जाता। अभी DM साहब आए थे, वो सब चीज़ों के लिए निर्देश दिए दे रहे थे कि जो भी कमी है वो आप हम लोगों से मिलिए और हम आपका समस्या का निदान करेंगे। लेकिन इन लोगों से निवेदन है कि आप लोग DM के सर के पास जाइए, एक आवेदन दीजिए, नहीं तो आप यहाँ थे और अगर अगले कहीं कार्यक्रम है तो वहाँ आप लोग जाइए, उनसे आप निवेदन कीजिए कि हमको सही टाइम पे आवेदन पैसा दीजिए, हम सही काम करते हैं। क्या नहीं करते हैं सही? हाँ सर, सही। तो पैसा मिलता है सही? नहीं सर, सही पैसा मिलता है सर, रोक के मिलता है, साल में 1500 रुपये सर। 1500 रुपया इन सब लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन कितना मांग है आप लोगों का ही बताइए। कम से कम 12000 पर। एक बात बोलना होगा, कितना लेना है? 3000, 6000 या 12000? 12000 सर, तभी हम लोग का घर बाल बच्चा चल सकता है। कम से कम 12000। चावल हो गया 40 रुपया, 45 रुपया किलो, और हमको मजदूरी मिलता है 50 रुपये, उससे हम 50 रुपया में हम क्या कर सकते हैं? यही सब, हम भी हैं कर्मचारी, साफ सफाई। देख सकते हैं, इन लोगों का जो एक मांग था कि हम लोगों को जो है कुछ पैसा बढ़ा दिया जाए। अभी DM साहब, तमाम पदाधिकारी जो थे भागलपुर जिला के, वो सारे लोग आए थे और इन लोगों का जो मांग था कि हम लोगों का थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये लोग 12-13 घंटा ड्यूटी करते हैं, 50 रुपये का उनको मजदूरी मिलता है। लेकिन इस लोगों का जो मांग है, अब सरकार इन पर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मेरा तो एक औकात है कि इनकी खबर बनाकर DM साहब, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सब तक पहुंचा सकते हैं। मेरा औकात नहीं है कि हम इन लोगों को दिला सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि इन लोगों का आवाज़ सरकार तक और DM ऑफिसर तक पहुँच जाए। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 2-4, 5%, 10% घरों में, और हम लोगों के यहाँ ये 95% से ज़्यादा उपलब्धि है। और जब कोई चीज़ बनती है तो उसको खराब भी होगी, उसको ठीक भी कराना है। अब जैसे पहले पंचायती राज विभाग के पास सारा नलजल का था, अब हो गया है कि PhD ही इसको मेंटक बन सकते हैं, या आपको पता जो है इंटरनेट के माध्यम से या संबंधित कार्यालय में जा करके आपको पता चल सकता है और आपको उसका लाभ भी लेना चाहिए। बहुत सारी स्कीम का यहाँ बैनर पोस्टर लगा हुआ है, कुछ स्कीम्स के बारे में यहाँ बताया गया है, कुछ के बारे में मैं भी बताऊँगा। तो आपको ये समझना होगा कि पिछले कई सालों में, आप देखेंगे 10-15 सालों में बहुत काम हुआ है,
जैसे कभी हम लोग ये सोच नहीं सकते थे कि बिजली जो है 22 घंटे 24 घंटे 20 घंटे से ज़्यादा एक एक गांव में बिजली रहेगी। आज से जब ये 5 साल 7 साल पहले कोई ये बात कहता तो सबको लगता कि ऐसे ही कोई मजाक कर रहा है। यार महीना लगता था जब हम लोग बच्चे थे, एक एक महीना लगता था और फिर ट्रांसफार्मर लोग ट्रैक्टर पे लाद के तो ट्रक पे लाद के लाते थे। अब अगर 24 घंटे बिजली ना रहे तो इंजीनियर के ऑफिस पे हंगामा हो जाता है। पुलिस भी है पदाधिकारियों का, चाहे वो बिजली विभाग के हो किसी भी विभाग के पदाधिकारी हैं, सबका दायित्व तो है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है जितना हम लोगों से भरसक बन सके उतना हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और नहीं किया जा सकता है। सब हर एक चीज़ का समय होता है और जो संसाधन है उसी के माध्यम से जो है जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो सकती है। नौकरी हो चाहे वो एसपी हो या इधर डिप्टी कलेक्टर हो, क्लर्क हो, प्यून हो, टीचर हो, एक तिहाई नौकरियां जो है जो आधी जन्म लेने पर 1000 फिर आधार बनने पर 2000 सब पूरा डिटेल में आपको लिखा हुआ है। अभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने आपको बताया कि उनको जो पोशाक की राशि है, साइकिल की राशि है, छात्रवृत्ति की राशि है, सारा चीज़ जो है खाते के माध्यम से। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, पहुँच गया है। कुछ वार्डों में अभी भी समस्या है, जो PhD के माध्यम से उसका DPR बन करके उसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए आज से जब 5-7 साल 8 साल पहले और कब अभी कई